शनिचरा बाबा पूजन समारोह धूमधाम से मनाया गया। शहर के टाउन हॉल में तुरहा विकास मंच के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। इस मौके पर सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी, सिवान सांसद प्रतिष्ठा हिंदू युवा वाहिनी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह, जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मंसूर आलम, सांसद प्रतिनिधि लाल बाबू शाह, नगर परिषद के पूर्व उपसभापति बबलू शाह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले समाज के छात्र छात्राओं को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधे का वितरण भी किया गया। तुरा समाज एकता और राजनीतिक में भागीदारी दिलाने को लेकर चर्चा की गई। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और तुरहा विकास मंच के सभी टीम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे स्वजाति भाई में जो भी लड़का लड़की मैट्रिक और इंटर में जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं उनको मेडल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया जा रहा है, ताकि हमारे समाज जो शिक्षा से बहुत दूर है वो शिक्षित बने, संगठित बने, जागरूक बने। हमारा समाज आज भी शिक्षा से बहुत दूर है। हम लोग इसको इसलिए सम्मानित कर रहे हैं कि हमारे समाज के लोग देखा जो कि और अपने बच्चों को पढ़ाएं लोग। देखा गया है कि राजनीतिक में आपके समाज के लोग बहुत हमारा समाज अगर संगठित होगा, जागरूक होगा, शिक्षित होगा तो ऑटोमेटिक अपना हक अधिकार मान लेगा और वो जागरूक संगठित होगा तो हमें राजनीति में भागीदारी मिलेगी। 100% जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो देखेगी कि तुरा समाज जग गया है, संगठित हो गया है, उनका भी नेतृत्व इस देश को, इस बिहार को देना चाहिए और 100% नेतृत्व मिलेगा। हम लोग सिवान जिला के प्रत्येक विधायक MP सांसद को, प्रत्येक पार्टी को निमंत्रण दिए हैं, जिस पार्टी के सांसद है, विधायक हैं, तो जदयू भाजपा राजा जितने भी लोग हैं सबको इन्वाइट किया लो। किसी तरह का यहाँ पार्टी मंच नहीं है, ये सिवान जिला का मंच है। सिवान जिला का सब सम्मानित लोगों को, माननीय लोगों को सब बुलाया गया है। सिवान जिला तुरहा विकास मंच के तत्वाधान में बीते साल की भांति इस वर्ष भी बाबा शनिचरा जी महाराज का पूजन समारोह का आयोजन सिवान के इस टाउन हॉल में किया गया है और इन लोगों के द्वारा हम तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है। इस पूजा समारोह में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। तुरहा समाज जो आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी विकास से दूर है, शिक्षा से दूर है, राजनीति से दूर है, इसके लिए ये लोग संगठन के माध्यम से तुरहा समाज को समाज के माध्यम से लगता है कि चुनाव की तैयारी चल रही है क्या? क्या असल पूछिए तो शनिचरा जी महाराज जिनकी पूजा
शास्त्रों में ग्रंथों में की गई है। यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है। पूजा के अवसर पर टुरहा समाज के अध्यक्ष और उनके नेतागण जो ग्राम पंचायत से लेकर के प्रखंड और जिला स्तर तक के हैं, उन लोगों के संगठन हैं, उन लोगों ने आमंत्रित किया है बाबा शनिचरा जी महाराज के पूजा करने के लिए, न कि ये जो है नगर पालिका नगर परिषद के चेयरमैन या उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए। और मैं कहूँगा कि कभी भी धार्मिक पूजा हो तो उस पूजा में वास्तविकता रहनी चाहिए, उसके उद्देश्य के मुताबिक काम होना चाहिए। इस मंच से कभी भी राजनैतिक बातें नहीं होनी चाहिए। शनिचरा जी महाराज के बारे में लोगों को बतलाना चाहिए। मैं भी अपने तरफ से उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि जो तुरहा समाज हमारा समाज का एक भाई है, अंग है, इनका विकास हो, तरक्की हो, आगे बढ़े, सुख समृद्धि लावे और समाज अच्छे तरीके से एकजुट होकर के इस राज्य का विकास करे। यही शनिचरा जी महाराज से मैं आराधना करता हूँ। अगर सबसे पहले तो हम अपने तरफ से पूरे सिवान संसदीय क्षेत्र के जनता जनार्दन के तरफ से, पूरे सिवान जिला के तुरहा समाज के तरफ से शनिचरा बाबा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनसे यही आशीर्वाद मांगता हूँ। जो हमारे तुरहा समाज के लोगों ने जिस मनोभावना से पूजा किया है, जो मनसा रख करके पूजा किया है और हर साल करते आ रहे हैं, उन सब की मनसा आपकी आप पूरा करें, उन सब का मनोकामना पूर्ण करें, यही आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। बाबा का पूजा जो है हर साल होता है, इस साल लाल बाबू प्रसाद जी के सहयोग से या इनके समाज के सहयोग से टाउन हॉल में हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि तुरहा समाज में एकता और एकता है और एकता होने के नाते सिवान जिला के हमारे तुरहा बिरादरी के लोग हर लाइन में आगे बढ़ेंगे। उसमें हमारी सरकार के सहयोग रहेगी, हमारे एमपी के सहयोग रहेगी। अजय जी जो बात बोले हैं, ये पूजा जो है ऐसा पूजा है कि आज से इस जाति धर्म के लोग एकता की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए यहाँ इस जाति का इस धर्म के लोग सिवान कौमी एकता का प्रतीक माना जाता है और आज भी इस मंच पर सभी संप्रदाय के लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये सिवान का परंपरा है, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद। आज भी अगर हम एक मुस्लिम समाज से आते हैं, अगर ये बुलाया है तो बहुत खुशी की बात है। हमारे एमपी साहब का और जिला जदयू के वरिष्ठ लीडर को बुलाया गया तो हमको भी बुलाया गया, यहाँ लोकल विधायक को भी बुलाया गया है, आरजेडी के विधायक हैं, हम लोग सब लोगों को बुलाया गया। सिवान के जो सही ढंग से एकता प्रतीक है, ये आपको समझ में जो आ रहा है बात सही है, उसी का सेम उसी का है। बहुत बढ़िया बात है, सही बात है, आपका आशीर्वाद रहेगा एकदम 100%। बाबा के पूजा समारोह के माध्यम से अन्य और भी कार्यक्रम है, जैसे नशा मुक्त, बाल विवाह, दहेज मुक्त, वृक्षारोपण कार्यक्रम, भारत की आज़ादी के 75 अमृत महोत्सव कार्यक्रम, देश को वीर शहीदों को नमन करेंगे, देश आज़ाद हमारा कैसे हुआ, कौन कौन करे, उस वीर शहीदों को हम लोग नमन करेंगे, पर्यावरण ठीक ठाक करने के लिए वृक्षारोपण कराएंगे, समाज में जो कुरूतियाँ है नशा मुक्त, आज के युग में युवा 38% जो है नशा के चलते रोड एक्सीडेंट हो रहा है, उसके लिए हम लोग सुधार के लिए समाज को संदेश देंगे कि आप लोग नशा मुक्त होइए, दहेज मुक्त समाज हो, बाल विवाह मुक्त समाज हो, और आइए हम सब मिलजुल कर सिवान को एकता बनाते हैं, सिवान को विकसित करें, विकास करें। इसी के साथ लड़कियों को क्या आज पूजा का माध्यम से मैट्रिक इंटर बीए में जो विद्यार्थी छात्र छात्राओं फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन जो उन्नीस हुए समाज के, उन सभी को सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा, बहुत तरह के पुरस्कार दिया जाएगा, मोमेंटो दिया जाएगा, और भी बहुत रंगारंग कार्यक्रम है और बहुत सारे कार्यक्रम, उसमें आप लोग भी शामिल होइए। और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि दुरा समाज आज़ादी के 75 साल मिलने के बाद भी बहुत पिछड़े हुए हैं, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। हम लोग का संदेश जो है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पास, देश का आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पास भी हम लोग को पहुँचना चाहिए।